इसराना हलके के सभी 100 नेता इकट्ठे हुए। 6 बार युवा प्रधान रहे सुलेंद्र धोला व 100 के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जयदेव नोलथा और राजीव रोड़कुराना, महेंद्र शेरा और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी से इस्तीफा देकर सांसद दुष्यंत चौटाला व दिग्विजय चौटाला के साथ जाने का ऐलान किया। 6 बार के युवा जिला अध्यक्ष सुलेंद्र धोले ने बताया कि 100 सुप्रीमो के फैसले को पार्टी का विरोध व युवा विरोधी बताते हुए कहा कि हम सभी कार्यकर्ता दुष्यंत चौटाला के साथ जननायक सेवा दल के साथ हैं। और जयदेव नोलथा ने भी कुछ ऐसा ही कहा कि 100 पार्टी ने दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को पार्टी से निकालकर युवाओं के साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि जहां दुष्यंत चौटाला वहां हम दुष्यंत चौटाला के साथ हैं। ये निर्णय लिया है, ये बहुत ही गलत निर्णय लिया है। ये जनता, जो जनता 15 साल से जो छोटा से छोटा कार्यकर्ता दिन रात एक करके मेहनत कर रहा था, पार्टी के लिए पसीना बह रहा था, खून बह रहा था अपने, तो उनके अरमानों पर आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पानी फेरने का काम किया है। और जो दुष्यंत आज पूरे हरियाणा का युवा 80% 90% युवा जो जहाँ दुष्यंत वहाँ हम के नारे लगा रहा है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उस चीज़ को भी अनदेखी करते हुए ये निर्णय लिया, बिल्कुल गलत लिया है। और हम यही कहेंगे जहाँ दुष्यंत वहाँ, जैसे कि पता गया कि गुहाड़ा में कुछ कार्यकर्ताओं ने किया तो उसके कारण ही इसको निकाला गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सरासर गलत है, ये ऐसी कोई बात नहीं थी। जिस तरह ये कह रहे हैं कि भाई दुष्यंत ने नारे लगवाए हैं, वो लगवाए हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं बताना चाहता हूँ, 3 फरवरी का इसराना में प्रोग्राम था, युवा सम्मेलन, किसान युवा सम्मेलन। मेरे पास चौधरी ओम अभय सिंह चौटाला का फ़ोन आया था, मैं क्या कर रहा सुरेंद्र? मैंने बोला मैं सर युवा किसान सभा कर रहे हैं। किस क्या युवा किसान सभा? ऐसे धमका के हमारे को बोलेगा क्या युवा किसान सभा? इस सभा को बंद कर, एक गांव के लेवल पर 20-30-50 आदमियों की ये मीटिंग करवा, ये युवा किसान सभा पर भी करवाने की जरूरत नहीं है। उनको कहीं ना कहीं अपने आप भय लग रहा था, दुष्यंत से डर रहे थे। अगर भैया दुष्यंत के नाम पर सुरेंद्र धोला क्या ले रहा है, दुष्यंत के नाम पर यहाँ पर लाखों हजारों की संख्या में यहाँ पर युवाओं जुड़े हैं और उसको उस चीज़ को दबाने के लिए वो हर वर्कर को रोकने का काम कर रहा था। हम कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर कैचल के बारे में भी आपने भली भांति जान, आपके पास भली भांति हर मैसी कहा, अगर भाई वहाँ पर भी वर्करों के पास उन्होंने फ़ोन किया गया। अभी 10 दिन पहले अरी चुनरी चौपाल थी गक्षिणा गांव में, वहाँ भी राजरूप और जगरूप सरपंच है, उसके पास भी उन्होंने फ़ोन किया। जगरूप इस अरी चुनरी चौपाल कैंसिल कर, इन बच्चों के पास कुछ नहीं है, मेरे पास आ जाओ। तो वो इन दुष्यंत की आवाज़ को हमेशा, आज से नहीं बहुत पहले से, जो उन्होंने उन्हें लिखे थे, ये अजय सिंह का धंधा है, अजय सिंह के नारे लगाता है, अजय सिंह की जय जयकार करता है, दुष्यंत का नारे लगाता है या दूसरे को लगाता है, उसी के पद को उठाने का काम किया। अजय सिंह के प्रोग्राम होने पर यहाँ पर बड़े जोर शोर से युवाओं ने भागीदारी निभाई थी। कई गाँव में भी हमारा युवा हल्का प्रधान है वीरेंद्र बेनीवाल, हजारों की संख्या में उन्होंने युवा जोड़ने का काम किया था। कड़के गांव में था, मांडी गांव में मैंने खुद प्रोग्राम कर रखा था, रात को 10 बजे भी मैंने 100 ट्रैक्टर उनके लिए खड़े कर रखे थे, लेकिन उनकी सोच नेगेटिव रही है। ये तो एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत मतलब एक रचा हुआ चक्रव्यूह के बीच में एक दुष्यंत को देना चाहते थे, लेकिन जो हरियाणा की आवाज़ है, आज जवान हो, बूढ़ा हो, किसान हो, मजदूर हो, रेहड़ी वाला हो, कर्मचारी हो या व्यापारी, छोटा व्यापारी हो, हर हरियाणा की सबकी एक ही आवाज़ है कि दुष्यंत को मतलब लोग चाहते हैं। उसका देखते हुए एक इन्होंने एक जो हमारे बुजुर्ग नेता हैं चौधरी ओमर चौटाला जी को, उनको भी एक उन्होंने गुमराह करने का काम किया, जिससे उनसे कलवाया गया। ये जो नतीजा दुआया है ये बहुत गलत है। आज का जो दिन है वो आज जो इन्होंने जो कल निर्णय लिया जो पार्टी से निकालने का, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और उसी का इनको नतीजा भुगतना पड़ेगा। आने वाला जो दिन है वो दुष्यंत एमपी साहब का होगा और हरियाणा का होगा, और आने वाला दिन जो मुख्यमंत्री चौधरी दुष्यंत चौटाला जी। आप कहिए सर कि दुष्यंत चौटाला की सरकार आने के बावजूद क्या ये जो किसान है आत्महत्या कर रहे हैं और नौजवान बेरोजगार है, क्या ये ऐसा कुछ अलग से करेंगे? माननीय सांसद महोदय ने पहले भी रोजगार मेला के तहत
4000 से 6000 युवाओं को रोजगार दिलाने का जो काम किया, उसकी सोच से ही पता चलता है कि बेरोजगारों के लिए रोजगार की एक मुहिम उन्होंने गुड़गांव में ताऊ देवीलाल स्टेडियम से स्टार्ट करी थी और गुड़गांव के जो माननीय उपायुक्त हैं उसको ज्ञापन सौंपा था कि हमारे जो युवा हैं बेरोजगार हैं उनको रोजगार दो। सरकार को अल्टीमेट भी दिया था कि या तो 50% जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनमें रोजगार दिलाने का काम करें और हमारी सरकार आएगी तो इनको रोजगार के साधन मुहिमा करवाए जाएंगे। रही किसान की बात, लोकसभा में हमारे माननीय अध्यक्ष साहब जी हमेशा और जो संसदीय दल के अध्यक्ष हैं माननीय सांसद साहब भूषण जी वो हमेशा एक आवाज़ बुलंद करते आए हैं। 36 बिरादरी की उन्होंने आवाज़ बुलंद की है और आने वाले समय में जैसे लोग कयास लगा रहे हैं कि चौधरी देवीलाल जी ने जो काम किए थे वो दुष्यंत चौटाला जी उनको दोबारा से दोहराने का काम करेंगे और जो भी नीति बनाएंगे वो नीतियाँ जैसे ताऊ देवीलाल जी की नीतियाँ थी वो आज के ज़माने में अलग अलग देशों में लागू हुई हैं। और जो हमारे माननीय सांसद साहब दुष्यंत चौटाला जी अगर इस हरियाणा प्रदेश के सौभाग्यवंश इस हरियाणा प्रदेश के सीएम बनते हैं तो वो दोबारा से उन्हीं नीतियों के चल के और अच्छी सी योजनाएं बनाकर इस पूरे विश्व में चमकाने का काम क्योंकि परिवार में सब तरह के लोग होते हैं। किसी की नीति कुछ होती है, किसी की नीतियाँ कुछ होती है। हमारे माननीय सांसद साहब की नीति है 36 बिरादरी का साथ लेके चलने की, हर एक बिरादरी का काम करने की। किसान, मजदूर, कमेरा, बेरोजगार, पढ़ा लिखा नौजवान, छात्र सभी को एक अच्छा भविष्य देने की उनकी जो सोच है वो सोच उन्हें ले डूबी। ये कहते हैं न कमें तैर झूठ बोल के तो नदी हम भी पार कर लेते, सच बोलने की आदत हमें ले डूबी। तो उन्होंने सच बोलने की आदत ले डूबी